नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के खास कार्यक्रम हमसे है ज़माना में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे समूह से, एक ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप से जो उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों के दुख दर्द रिकॉर्ड कर रहा है, हम तक पहुँचा रहा है, जिनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं। यह समूह है रोड स्कॉलर्स का। रोड स्कॉलर्स यानी जो सड़क के स्कॉलर्स हैं या सड़क पर स्कॉलर्स हैं। रोड स्कॉलर एक ऐसा समूह है जिसमें तमाम अलग अलग ढंग के पेशों के लोग हैं। यहाँ पर डेटा एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर कानून के पढ़ाई करने वाले लोग हैं, यहाँ पर अर्थशास्त्री हैं, अलग अलग साइंसेस से आए हुए लोग हैं। और ये लोग उन लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा है जो लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से सड़क पर हो गए हैं, भूख और बेरोज़गारी से बिलबिलाते हुए जीने पर मजबूर हैं। इन लोगों का काम अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि ये असली भारत को सही ढंग से दस्तावेज़ों के साथ, आंकड़ों के साथ हमारे और आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इनके बारे में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने अपने काम से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज इस देश में लाया है, जिसके बारे में आप इस कार्यक्रम में आगे देखेंगे। आपको याद होगा जब जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था 22 तारीख को, जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन हम इसी जगह खड़े थे लेडी हार्डिंग के सामने। और आज की तारीख में देखिए, आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को भी उसी तरह से अफरा तफरी है, उसी तरह से खाने को लेकर मार है। और रोड स्कॉलर्स बिल्कुल यही आंकड़ा हमारे सामने बता रहे हैं कि जो 103 भारतीय नागरिक मारे गए हैं उनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उनका दुख क्या है। इसमें हमने बात की रोड स्कॉलर से जुड़े हुए रितिका खेड़ा से। रितिका खेड़ा अर्थशास्त्री हैं जो बहुत लंबे समय से विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जॉन ग्रेस के साथ काम करती रही हैं। उनका काम भूख और राइट टू फूड पर है। रितिका खेड़ा ने हमें बताया कि किस तरह से ये जो रोड स्कॉलर्स हैं, ये देश के अलग अलग भागों में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लोग अलग अलग ढंग से एक जगह से दूसरे जगह तक लोग जा रहे हैं, उनकी जिंदगियों पे जो इस लॉकडाउन का असर पड़ा है, कोरोना लॉकडाउन का, उसे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। छोटे छोटे अखबारों में जो खबरें छपी हैं उनको एक जगह करके पूरी एक बड़ी तस्वीर पेश की है। क्योंकि चाहे दिल्ली हो जहां हम खड़े हैं, या झारखंड हो, या यूपी हो, या तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, हर जगह ये जो गरीब हैं, भारतीय नागरिक हैं, जो 70% भारत है, उसकी इस समय कथा व्यथा एक ही है। लॉकडाउन की जो घोषणा हुई है वो हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी ठीक है, क्योंकि हमारे पास तनख्वाहें हैं तो आर्थिक हमें मुश्किल नहीं होगी। और दूसरा, हमारे घरों में जगह है, पानी है, तो हम बार बार हाथ भी धो सकते हैं साबुन से। लेकिन हमारे जैसे लोग देश का केवल 30% के आसपास हैं। 70% ऐसे लोग हैं जिनके लिए जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, लगभग आधे लोग स्वरोजगार में हैं, जिसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे। रेड़ी वाला भी है, मोची भी है, साइकिल ठीक करने वाला भी है, ऑटो चलाने वाले हैं। ये लोग रोज काम करेंगे तभी शाम को खा पाएंगे। और दूसरा, एक तिहाई काम करने वालों में दिहाड़ी मजदूर हैं, तो उनके लिए भी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक आपत्ति एक खड़ी हो गई है। और इसी वजह से ये लोग तुरंत जब लॉकडाउन की बात हुई तो अपने गांव की तरफ निकल गए। इसके चलते ये जो घर जाने की प्रक्रिया है या काम न मिलने की वजह से जो आर्थिक लॉकडाउन है, उसकी वजह से हम लोग जो मर रहे हैं उस पे नज़र रख रहे हैं। और हमारे डेटाबेस में बहुत सारी ऐसे मौतें हैं 20 से ऊपर, जो भूख या थकान की वजह से मर गए, रास्ते में चलते चलते थक गए और गांव पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। इसके अलावा 15 कैसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जो अल्कोहलिक्स थे और विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से आत्महत्या कर ली। कुछ ऐसी आत्महत्याएं हैं क्योंकि उनका सामान नहीं बिका, वो लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा 10 मौतें ऐसी हैं
जो हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में सड़क बंद थी, हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच सके या इलाज नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से, और वो लोग मर गए। तो आज अगर देखें तो लॉकडाउन की वजह से 40 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, और आगे चल के कितनी होगी वो कहना मुश्किल है। इस वजह से सरकार को कुछ रिलीफ और देने की भी ज़रूरत है। इन आंकड़ों से एक बात पता चलती है कि मरने वालों की तादाद भूख से है, बेरोज़गारी से है, चलने से है, हार्ट डिजीज़ से है। मरने वालों की तादाद वैसी भी है जिसके बारे में हमें और आपको कभी नहीं पता चल पाता, क्योंकि ये लोग बिना दवाइयों के मर रहे हैं। इन सारों का आंकड़ा यहाँ पे जमा है, और इसके साथ एक जो बहुत अहम बात सामने आ रही है, चाहे वो 12 हो या 15, सुसाइड आत्महत्याएं बहुत तेज़ी से भयानक ढंग से बढ़ी हैं। हमारे सामने उन आत्महत्याओं का ब्यौरा तो आ जाता है जो सफदरजंग में होती है या अभी जो PGI में हुई है हरियाणा में, जहां पर जो कोरोना जिसको हुआ है वो सुसाइड करते हैं। लेकिन यहां पर जिसके बारे में रितिका बताती हैं कि ऐसे सुसाइड्स भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं जहाँ पर लोगों के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, वह पीड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं। वो लोग जो अल्कोहल से शिकार हैं वे सुसाइड कर रहे हैं। इन रोड स्कॉलर्स की वजह से जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जो हमारे सामने आंकड़ा आया है कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले लोगों का, वह बहुत दिल दुखलाने वाला है। इस समय इन जो स्कॉलर्स ने आंकड़े जुटाए हैं उसके हिसाब से 103 से अधिक भारतीय नागरिक मौत का शिकार हो चुके हैं। इनके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे कि इसका जो विवरण है वो किस तरह से जुटाया गया, लेकिन एक बात साफ है कि ये जो स्कॉलर्स हैं ये अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, और इन्होंने पूरी मशक्क़त करके अलग अलग जगहों से जो खबरें आई हैं कि जो प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे थे, जो बीमार और हार लोग थे, इन लोगों की ज़िंदगियों पे कैसे असर पड़ रहा था, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कम से कम नीति निर्धारक बात नहीं कर रहे थे, ऐसे समय ये रोड स्कॉलर्स, ये जो इनफॉर्मल समूह हैं, इसने ये आंकड़े जुटाए हैं। और इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से अलग अलग जगहों से इन लोगों ने बातचीत की, जो छोटी जगहों से खबरें आ रही थी, छोटे छोटे अखबारों में खबरें प्रकाशित हो रही थी मजदूरों के मारे जाने के बारे में, किस तरह से लोग 100-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने के बाद गिर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनके परिवार वाले उन्हें खोजते रहे, ये सारे ब्यौरे इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक ढंग से जुटाए और हम तक, आप तक और बाकी देश तक पहुंचाए। हमने बात की सिराज दत्ता से। सिराज दत्ता झारखंड में हैं, वो झारखंड से उन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, ये फंसे हुए मजदूर हैं। और सिराज हमें बताते हैं कि किस तरह से 1000 से अधिक झारखंड के मजदूरों तक उन्होंने राशन पानी और मदद पहुंचाने की कोशिश की। ये उनका पूरा नेटवर्क है जिसके बारे में सिराज आपको खुद बताएंगे। मैं यहाँ एक बात आपसे बताना चाहूँगी कि जो काम रितिका खेड़ा, जौंदरे, सिराज, अमन, कनिका, तेजस, अनेक लोग जो कर रहे हैं रोड स्कॉलर्स के ज़रिए, यह बहुत अनूठा काम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है जो तमाम लोगों को जो भारत की नब्ज़ जानते हैं उन्हें करना चाहिए था। उन लोगों की ज़िंदगी डॉक्यूमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, व्यथा ज़रूरी है, जो लोग कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देते। झारखंड के लाखों मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, और ज़्यादा बहुतों को पर्याप्त राशन और भोजन की उपलब्धता नहीं है, पैसे तो बिल्कुल नहीं है, और जहां काम कर रहे थे वहां से भी उनको इस दौरान जो लॉकडाउन के पीरियड के लिए उनको अभी तक किसी प्रकार का की मजदूरी भुगतान उनको नहीं की गई है। तो ऐसे हम लोग के पास यहाँ झारखंड में, हम लोग ने भोजन का अधिकार अभियान और झारखंड जन अधिकार महासभा के माध्यम से ये कोशिश शुरू की कि ऐसी सूचनाएं जो भी आ रही है कि कहीं मजदूर फंसे हुए हैं उनको तुरंत राहत की आवश्यकता है, तो इसको थोड़ा पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मजदूरों से बात करते हैं कि क्या वर्तमान परिस्थिति है, क्या उपलब्धता है राशन खाने की, अभी तक कोई राहत पहुंची है कि नहीं, और फिर ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद उनसे ये भी पूछते हैं कि अगर वो वीडियो या फ़ोटो कुछ भेज सके। इसके बाद इसके आधार पे हम लोग इसको ट्विटर पे डालते हैं और दोनों राज्य सरकारों को, संबंधित राज्य सरकारों को टैग करते हैं, विधायकों को टैग करते हैं, और
वहाँ के पत्रकार साथियों को या जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन लोग को टैग करते हैं कि इस पे थोड़ा ध्यान आ सके। तो और दूसरे तरफ ये भी कोशिश करते हैं कि उन राज्यों में जो साथी संगठन राहत को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राहत के काम में लगे हुए हैं, उन तक ये सूचना पहुंच सके। इन दोनों माध्यमों से जब कोऑर्डिनेट करते हैं, ट्विटर पे भी कई लोग मदद करने के लिए सामने आते हैं कभी कभी, हालांकि कम में, लेकिन कभी कभी सरकार, राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार भी रेस्पॉन्ड करती है। और फिर शायद धीरे धीरे एक दो दिन में उन तक राहत पहुँच पाती है। तो ये एक थोड़ी कोशिश है जिसमें हम लोग यहाँ लगभग 6-7 साथी लगे हुए हैं ये कोऑर्डिनेशन के काम में। और लेकिन जो मूलतः बात है कि ये जिम्मेवारी जो है ये संबंधित राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की है कि हर जगह मज़दूरों को पर्याप्त खाना मिले और उनको इस दौरान के लिए उनको मजदूरी मिले। लेकिन ये दोनों सुनिश्चित नहीं किया गया है अभी तक। और ये कुछ लोग जैसे हमारे जैसे यहाँ पे और भी कई साथी इधर उधर ये कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से कुछ हो सके, लेकिन फिर भी जिस पैमाने पे मजदूर फंसे हुए हैं और जिनको जितनी राहत की आवश्यकता है वो बिल्कुल सरकारों द्वारा नहीं की जा रही है। देख ले जी सरकार, हम लोग का हालात कैसा है। सब हम लोग लड़का लोग सब इतना उदास में है। हम लोग बेंगलोर आके 2 हफ्ता हो रहा है, 2 हफ्ता काम करके, 2 हफ्ता काम करके पूरा अचानक में ट्रेन बंद हो गया और दुकान राशन दुकान जाने के लिए 10 सब दुकान बंद हो गया। ग्राम लक्कीपुर, अनाराज महल, जिला साहेबगंज, राज झारखंड। हम लैट्रीन के काम के लिए आए थे सर, उड़ीसा में राहुल किला में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आके हम 2 महीने से काम कर रहा था। इधर थक गया 15 दिन पहले और कोरोना के कारण हम नहीं जा सकते। 15 दिन से हमको खाना भी नहीं मिल रहा है, हम कैसे क्या करें सर। हमको हमारा घर में छोटा छोटा बच्चा है, मेरा माँ बीमार है, फंसे हुए हैं। हम लोग किराया रूम में रहते हैं, हम लोग खाने का पैसा भी नहीं है, इसलिए हम लोग जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। हमने बात की इस इनफॉर्मल समूह से जुड़े हुए अमन से। अमन जो लॉ पढ़ाते हैं, कानून पढ़ाते हैं, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अलग अलग जगहों पे जो लोग हैं उन्होंने एक साथ आकर भारत की जो असली तस्वीर है, ख़ास तौर से कोरोना लॉकडाउन के समय, उसे सामने लाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने कोशिश की कि तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं छुटपुट बिखरे हुए हैं मीडिया समूहों में, जो खबरें आ रही हैं बहुत छोटी छोटी सी ही सही, उन्हें जोड़ा जाए। और एक बार जब इन्होंने जोड़कर उस आंकड़ों को एक किया तब पता चला कि पूरे देश में स्थिति भयावह है। तो मैं एक्चुअली स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले ये बता के कि हमने ये इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट किया। प्राइमरीली हमने देखा था कि जो भी सरकारी आंकड़े आ रहे हैं या जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो डिजीज रिलेटेड हो रहा है। जो ये सडनली और एकदम अनप्लान्ड जो लॉकडाउन हुआ उसका जो ह्यूमन कॉस्ट था वो फैक्टर इन करना भी काफ़ी ज़रूरी था, और इसीलिए हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, बट हमने ये डिसाइड किया कि हम चेक करेंगे। 3 लोग जो कनिका, मैं और तेजेश, हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम ये चेक करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से जितनी भी डेथ्स हो रही हैं उसको भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और उसके बारे में भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है। ये इनिशियली हमने एक ट्विटर थ्रेड के थ्रू स्टार्ट किया, बट ओवर टाइम हमने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे किसी डेटाबेस में रिकॉर्ड करें, और हम अभी ये डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। जनरली जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑनलाइन, जो भी हमें न्यूज़ किसी और के थ्रू मिल रहा है, ट्विटर के थ्रू मिल रहा है, या किसी जर्नलिस्ट या किसी और दोस्त या मित्र के थ्रू मिल रहा है, हम सारा ये डेटा ये अपने डेटाबेस में मेंटेन कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं ड्यूप्लिकेशन है वगैरह नहीं है। इसी के बेसिस पे मैं आंकड़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, रितिका ने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, बट अगर हम देखें लगभग हमारे पास अभी 80 ऐसे केसेस हैं जो कि लॉकडाउन या लॉकडाउन रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से डेथ्स हुई हैं, और ये रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, हमने ये भी देखा अभी भी 10-12 ऐसे भी केसेस हैं जो कि हमने अभी हम बहुत इजीली अभी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा है, मगर ऐसे भी पॉसिबिलिटी हैं कि ये 10-12
ये 80 को ऐड ऑन करें और लगभग 90-92 डेथ्स हैं। रितिका ने ऑलरेडी नंबर्स के बारे में बोला है, मगर मैं थोड़ा कैटेगरीज के बारे में भी बोलना चाहूँगा कि कौन से कैटेगरीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जनरली स्टारवेशन डेथ्स जो कि भुखमरी के कारण डेथ्स हो रही हैं, और काफ़ी सारे एटलीस्ट 5 or 6 न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स हमें मिली हैं जहाँ पे सरकार के पॉलिसीज़ के बावजूद भी अभी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे स्टारवेशन की वजह से डेथ हुई है। दूसरा बहुत ही पॉपुलर केस है जहाँ पे मेडिकल एड, किसी को ट्रीटमेंट डिनाई किया जा रहा है, बॉर्डर्स से एम्बुलेंस पास नहीं किया। एक उदाहरण लेना चाहूँगा जो कि केरला और कर्नाटका के बॉर्डर में हो रहा था, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो कि नॉर्दर्न केरला से दक्षिण कर्नाटका जाने की कोशिश कर रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, उनको अलाउ नहीं किया गया और काफ़ी डेथ्स उसकी वजह से भी हुई हैं। तीसरा कैटेगरी एक ब्रॉड कैटेगरी है जो माइग्रेशन रिलेटेड डेथ्स ही हैं, और इन माइग्रेशन रिलेटेड डेथ्स में हम देखेंगे कि लार्जली बहुत सारे डेथ्स हुई हैं एग्जॉशन की वजह से। अराउंड 5 or 6 हम लोग को ऐसे डेथ्स रिपोर्टेड मिली हैं जहाँ पर लोग थक के या उनको कोई कार्डियक अरेस्ट या कोई और कोई सिमिलर सिचुएशन अराइज हुआ है और उनकी उसी कारण डेथ हो चुकी है। दूसरा है जैसे बहुत लोगों को, क्योंकि रोड्स लॉकडाउन थे, उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन्स या बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ते चुने और उसकी वजह से भी, तो जैसे 4 लोगों की तमिलनाडु में डेथ हुई थी क्योंकि वो किसी फॉरेस्ट फायर में अटक गए थे। सिमिलरली कश्मीर में 3 लोग जब अनंतनाग से कोशिश कर रहे थे कि जम्मू की तरफ आए तो उन वो लोगों भी लाइक क्योंकि वो जवाहर टनल बंद था, वो भी कोशिश कर रहे थे कि कैसे क्रॉस करें, तो उन्होंने बर्फीली एक ट्रैक के बारे में डिसाइड किया और उसी में उनकी उधर ही डेथ हो चुकी हो गई। एक और कैटेगरी है और जो बहुत ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सिचुएशन है जो कि पूरा ट्विटर थ्रेड पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो है एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ्स की। नाउ एक्सीडेंट्स भी काफ़ी देखे गए हैं, हमने सारे ट्विटर थ्रेड पे नहीं डाले हैं, बट एक्सीडेंट्स काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें माइग्रेंट्स जो कि घर जाने की जो कि सिटी से वापस अपने घर की तरफ पैदल जाने के बारे में सोच रहे थे, उनकी काफ़ी लाइक रोड एक्सीडेंट्स में भी डेथ हुई है। नंबर रफली आई थिंक 30 से 35 के बीच में है। एक और कैटेगरी है हमारा पुलिस एक्शन और क्राइम्स रिलेटेड। जनरली हमने देखा है कि पुलिस ब्रूटैलिटी के थ्रू के रीज़न के वजह से भी जनरल ऐसे काफ़ी वीडियोस सामने आ रहे हैं जहाँ पे ब्रूटैलिटी काफ़ी एविडेंट है। इन पुलिस ब्रूटैलिटी के इंसिडेंट्स के बेसिस पे भी हमने कुछ देखा है, कुछ लोगों को, एक कलकत्ता में हुआ, एक सुसाइड भी इसी में एक रिपोर्ट किया गया जहां पे आफ्टर लाइक एक इंसिडेंट किसी ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की और ये भी हमने अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड किया है। सिमिलरली आया लाइक एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है सुसाइड्स का। सुसाइड्स में भी हमने ऐसा नोटिस किया है कि लगभग 20 सुसाइड ऐसे देखे हैं, 2-3 तो ऐसे हैं जो कि स्टारवेशन या भुखमरी या गरीबी के कारण, मतलब जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं था और उन्होंने सोचा कोई आशा ही नहीं है और उसी कारणवश उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया। हमने एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोगों को केसेस भी ऑल्सो हमारे सामने आए जहाँ पर हमने ये देखा कि जिनका विड्रॉल सिम्टम्स हो रहा था उन्होंने भी सुसाइड कमिट किया। ऐसे लगभग 15 से 20 लोगों का ऐसे हमारे पास आंकड़े हैं जहां पे हमने देखा विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से भी और कोई मेडिकल अटेंशन उनको जो नहीं मिली उसकी वजह से भी आइदर सुसाइड डेथ्स हुई हैं या उनके किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है। नाउ प्रॉब्लम हमारा लिमिटेशन ना, ऑब्वियसली ये जो आंकड़े हैं हमारे ये सारे रिपोर्टेड मीडिया और हम लोग 3 लोग और जितने लोगों से हम असिस्टेंस मांग भी रहे हैं सबके पास ये ऑब्वियसली रीजनल लैंग्वेजेस का अच्छा कमांड नहीं है, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जनरली या इंग्लिश न्यूज़ या हिंदी न्यूज़ से ही आती है। ऐसे बहुत सारे डेथ्स होंगे जो कि हमें जिनके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा और ये हमारे मेथडोलॉजी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है और प्रॉबेबली एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये बताता भी हमको ये है कि अगर ये डेथ्स हमारे सामने एटलीस्ट नंबर्स उभर के आ रही हैं तो अनरिपोर्टेड डेथ्स कितनी होंगी। आज हमारे इस कार्यक्रम में रोड स्कॉलर्स को हम करते हैं सलाम, ये बता रहे हैं कि इनसे है ज़माना, सही मायनों में
हमसे है ज़माना, ऐसे ही लोगों से बना हुआ है भारत, जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में, चाहे कोरोना का आतंक हो, कोरोना का लॉकडाउन हो, यह बात करते हैं आम जनता की। देखिए और लाइक करिए न्यूज़ क्लिक और हमारा ये विशेष प्रोग्राम हमसे है ज़माना, ताकि इस तरह के जो छोटे बड़े प्रयास चल रहे हैं यह हम तक पहुँचें, आप तक पहुँचें और एक सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सही में असली करने की ऊर्जा से हम और आप दोनों भर जाएं। शुक्रिया।